Terrorism in Kashmir continues to be a primary concern for the security agencies. Kashmir has been facing insurgency or terrorism since the late 1980s, and many lives have been lost in this proxy war being fought by Pakistan. When the Kashmir insurgency first began, organizations like the Hizbul Mujahideen led the fight. HM was largely made up of Kashmiris who went to POK for training and got back. Eventually, more Pakistani terrorists started coming in. However, due to international pressure and FATF scrutiny, Pakistan has changed tactics, and the effort now is to pull in more local youth into terrorism to showcase this as an indigenous movement and to save Pakistan from international backlash. Over the past 4 to 5 years, a higher number of Kashmiri youth have joined terror ranks for various reasons. And my colleague Urjita and I travel through North and South Kashmir, meeting with a host of civilians, including youngsters, to understand the ground situation. And for the first time, we are getting you interviews of two surrendered young militants for you to understand what really drives some of them to join terror ranks and how the nexus operates. While one ran away from his recruiters and sought help from the security forces, another was caught alive from an encounter in Srinagar after the forces asked him to surrender. Both incidents are from 2020. Radicalization, which is leading to recruitment in the terror ranks, is one of the main concerns here in Jammu and Kashmir. For the first time on print, we are getting you a chat with a boy who is 19 year old now, who had joined the terror group, the Jaish-e-Mohammed, in 2020. However, within 5 days, he was brought back with the help of the army and other agencies. We'll try and speak to him about what really prompted him to join the terror ranks. आप 2020 में आप तंजीम ज्वाइन किए जैश मोहम्मद जी सर क्यों ज्वाइन किए थे क्या था सर इसका रीज़न ये था कि हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे 2017 में मेरे साथ एक और बंदा पढ़ता था तो हम 9th क्लास में उस वक्त थे 2017 में तो हम वीडियो देखते थे ये फायरिंग का गन वगैरह का तो हमें दिल में चाहत बढ़ी कि हम भी फायर कर सकते हम भी गन पकड़ सकते हम भी गन चला सकते तो हमने ये सोचा उधर एक बंदा था हमारे गांव में तो हमने ये सोचा कि इस बंदे का उठना बैठना है मिलिटेंटों के साथ तो ये हमें शायद दिला सकता है गन वेपन हमें दिला सकता है तो आपको केवल फायरिंग करनी थी जी सर हमें गन की तलब थी और कुछ नहीं था तो हम गए उसके पास बोला ऐसे कि हमें गन दे दो हमें एक्टिव कर दो तो उसने मतलब आप फायरिंग के साथ आप एक्टिव होना चाहते थे आप एक मिलिटेंट बनना चाहते थे जी सर हम उस वक्त मिलिटेंट बनना चाहते थे वेपन की वजह से तो हम गए उसके पास हमने उसे कहा कि हमें एक्टिव कर दो हमें सामान वगैरह दे दो तो हम एक्टिव हो जाएंगे उसने बोला वेट करो वेट करते करते 3 साल गुजर गए सर 2020 तक उसने वेट करवाया फिर हमने छोड़ दिया 2019 में हमने छोड़ दिया था उसके पास जाना लेकिन आप स्कूल जा रहे थे जी सर स्कूल तो जा रहे थे हम तो फिर 2020 आया उसकी बीवी है तो वो हमारे पास आती थी हम दोनों के पास बोलती थी आप ऐसा करो आप हमारे घर चलो तो हम बोलते थे क्यों क्या तो वो बोलती थी नहीं इधर नहीं बताऊंगी उधर ही उससे पूछ लेना क्या काम है क्या नहीं उसकी बीवी ने हमें फोर्स किया कि आप चलो मेरे साथ तो हम गए ऐसे ही मार्च का महीना आया था 2020 का तो हम दो बंदे चल रहे थे शाम का टाइम था तो उसकी बीवी आई वहाँ से बोला कि आप मेरे साथ चलो आज कुछ खास काम है मैंने दूसरे बंदे से कहा आप जाओ मैं नहीं आ रहा तो वो गया उसके पास तो वो बंदा है वो घर आया शाम के वक़्त उससे मिला जो मेरा दोस्त था वेपन के साथ तो रात उसी के यहाँ गुजारी तो सुबह मेरे पास आया बोला कि ऐसा ऐसा मसला है उसके पास वेपन भी है हम कल दोनों जाएंगे और देखेंगे क्या मसला है तो हम चले गए दूसरे दिन उसके पास दूसरे दिन हम जब गए तो वो फिर से आया वेपन के साथ हमें बोला कि चलो मेरे साथ हमें तुम लोगों को वेपन दूंगा कुछ पैसे दूंगा चलो मेरे साथ मैं आपको एक्टिव कर दूंगा तो हमने कहा नहीं आज वेपन मतलब जब वेपन की बात करें वेपन के साथ वो क्या था AK-47 था या पिस्टल थी नहीं सर AK-47 था ग्रेनेड भी था अच्छा।
जी सर, तो हम गए उसके पास, तो दूसरे दिन वो आया फिर ले गया हमको साथ। हमने दो दिन मस्जिद में गुजारे, फिर मस्जिद में उसने ये सिखाया कि वेपन कैसे चलाते, वेपन का लॉक कैसे खोलते। मस्जिद में सिखाया आपको? जी सर। तो ये भी बता रहा था कि अगर हम शहादत की मौत मरेंगे, जैसे कि हम किसी इनकाउंटर में फंस जाते हैं उधर मरेंगे, तो हमें जन्नत नसीब होगा। बिल्कुल, जो वो कहते हैं कि जन्नत नसीब होगा, आप अपने पेरेंट्स को भी, अपने चाहने वालों को भी ले आ सकते हो। वही सर, वही। तो हमने जब दो दिन वहाँ पर गुजारे, तो आपने दो दिन में फायरिंग की या केवल गन पकड़ना? नहीं सर, करना फायरिंग नहीं की, तो उसने मैगजीन निकाल दी थी, तो वो कॉक शॉक करते फिर फायर करते थे, मगर वो मैगजीन के। जी सर, तो हमने ये सब सीखा, गन को भी खोलना सीखा पूरा। हमने फिर काम किया, दो दिन जब हम मस्जिद में निकाले हमने, तो हम सोच रहे थे हम यहाँ क्यों आए। उस वक्त हम ये रीज़न सोच रहे थे हम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। फिर हमने उस बंदे से बोला कि अभी देर नहीं हुई है, अभी हमें घर छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसने हमारे फ़ोटो उठाए वेपन के साथ। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब कॉक कर रहे थे, साफ कर रहे थे, तो उस टाइम उस टाइम आपने फ़ोटो खींचा? जी सर, वेपन के साथ उसने हमारी फ़ोटो निकाली, बोला अगर आपने किसी को बताने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की, तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूंगा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप मारे जाओगे इनकाउंटर में कहीं भी। तो हम डर गए, अंदर से डर गए, हम क्या करेंगे, आप यहाँ भी फंस गए, वहाँ भी फंस गए, ना अंदर बैठ सकते ना बाहर निकल सकते। फिर हमने तीसरे दिन वहाँ से निकले, मस्जिद से शाम को निकले और एक स्कूल पे गए, जो एक पुराना स्कूल था, पुरानी बिल्डिंग थी स्कूल की, स्कूल पे गए। तो वो बंदा किसी के साथ बात करता था फ़ोन पे, हमें नहीं दिखाता था, किसी को मैसेज करता था, हमें नहीं दिखाता था। जब भी मैसेज आती थी, फ़ोन आता था, वो दूर चला जाता था हमसे, करता था क्या नहीं करता था वो हमें नहीं पता। तो हम दो बंदे जो है, हम ये सोच रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। तो हमने उसे, जब हमने दो दिन फिर से स्कूल पे निकाले, तो हमने उससे कहा कि यहाँ से निकलते। हमने उससे फोर्स किया यहाँ से निकलते, तकरीबन 4 बजे थे 5 बजे थे तकरीबन दिन के, तो हम वहाँ से निकले। तो जब हम वहाँ से निकले, सामने सड़क थी, सड़क पार करनी थी, नीचे नाला था, तो हमें ये नाला पार करके जाना था। जब हम सड़क पे पहुँचे, उधर इलाके में जो है, पूरे इलाके में खबर फैल गई थी कि दो बंदे गायब हैं, उनको ढूंढना है। तो जैसे हमें दो बंदों ने देखा, उनने हमें आवाज़ मारी, बोला रुको भाई कहाँ जा रहे हो। तो जो ये बंदा है ये रुक गया, जो हमारे साथ था बंदा वो रुक गया, हम दोनों नहीं रुके, हम दोनों सड़क पे उतरे। तो हमने फिर सोचा भाई अगर हम इस बंदे के पास वापस जाएंगे फिर फंस जाएंगे, ऐसा करने से बेहतर है कि हम नीचे उतरे, गांव वाले के पास जाए और वापस आ जाए। तो हमने यही किया, हम नीचे भागे नाले की तरफ, गांव वाले के पास गए और आगे सब पुलिस आई वगैरह वगैरह, DSP साहब, तो फिर हमें छोड़ दिया। तकरीबन 15-16 दिन के बाद वो भी पकड़ा गया सर। अच्छा। वो भी पकड़ा गया वेपन के साथ। तो वो आज बंद है सर। आज बंद है। जी सर, हमें छोड़ दिया DSP साहब ने। तो तो आज के जो आपके जैसे एज ग्रुप के जो कश्मीर में लड़के हैं, जो जिनको लगता है कि बंदूक चलाना, बंदूक पकड़ के चलना बहुत मतलब बड़ी बात लगती है, जी सर, और या जो भी जिस रीज़न से भी तंजीम ज्वाइन करता है, आप उनको क्या कहेंगे? जी सर, बंदूक चलाना, अगर चलाना ही है तो आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, वहाँ भी बंदूक चलाते हैं सर। ऐसा काम क्यों करना जिसमें हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं हो, हमारी माँ बाप हमसे राज़ी ना हो, तो कैसे जन्नत में जा सकते हैं? जब हमारे माँ बाप ही हमसे राजी नहीं है, तो हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं? From the love of holding an AK-47 to the love gone sour, reasons for joining terror ranks can be anything, including failure in school, scolding from parents, poverty, and even religious indoctrination. You've heard the story of a boy in his own words about why he joined the terror ranks. He had said that he joined the terror ranks because he wanted to pick up a gun. You know, he was impressed by the gun. I have with me another boy, you know, from somewhere in Kashmir. Now, this boy joined one of the Tanzeems for a different reason.
And this boy was also involved in an encounter with the security forces. And it was the army which offered, which offered him to surrender, which he did. And is now, part of the mainstream, per se. So we'll try and talk to him about what really happened. This incident is from 2020 when he had joined the Tanzeem, and why he joined and what really happened post that. So, so if you could tell our viewers ki, when was this? How did you join? Which Tanzeem did you join? जब मैं देखो सर मेरी जो तंजीम थी अलबदर की थी देन आई वाज 20 ईयर ओल्ड जो मेरा दोस्त है के तो उसका कुछ रबता था इनके साथ ही इन्वॉल्व मी तो उन्होंने बताया कि अब मेरे को कुछ काम है अब कर लो ये बताया ये सवाब है शरीयत के लिहाज से करना सवाब है बट आई डिड तो मैंने कर दिया उसके बाद को मसला क्या हुआ था एक मैंने अपने घर में रखा था एक कोई मिलिटेंट था मगर मुझे नहीं पता था कि ये मिलिटेंट है तो मैंने उसको अपने घर में रखा था घर वालों को बताया था कि झूठ ये वॉलीबॉल प्लेयर है मेरे साथ खेलता है तो एक रात को मैंने उसको अपने घर में रख दिया था फिर 3 मंथ के बाद वो शहीद हो गया था शायद ऐसा कुछ उनका इनकाउंटर हो गया था बट वो वाला बच गया था जो हमारे घर में था उन्होंने मेरा नाम दिया था बोला था कि मैं इनके घर में रहा हूँ फिर जो हुआ था कि जब मेरे को कॉल आया था बताया था कि आप आपके घर में कोई ऐसा था मैं डर गया था मैंने उस दोस्त को बताया जिसने मुझे काम वाम करने के लिए बताया था तो उसका जो रबता था अलबदर के साथ उन्होंने डिसाइड किया बोलो कि तुम दोनों अब एक्टिव हो जाओ मिलिटेंट बनोगे वैसे अगर आपको पकड़ेंगे फोर्स वगैरह वो आपको मारेंगे बहुत ज़्यादा उस वजह से हम नर्वस हो गए और कुछ समझ नहीं आया फिर गलती में वो स्टेप करके उठाना पड़ा जो हम घर से निकले थे उन्होंने बताया कि आपको एक्टिव कर देंगे तंजीम जो थी अलबदर की थी जब भी हम घर से निकले थे हमारे पास कुछ नहीं था मेरे खुद के कुछ पैसे थे तो उन्होंने बताया था 2 दिन निकालने आपको ऐसी विदाउट वेपन्स तो फिर हमने 2 दिन निकाले उसके बाद क्या हुआ था ना तो उनके साथ रबते में था मेरा दोस्त वो बोल रहे थे कल आपको वेपन्स मिल जाएंगे आपको एक्टिव कर देंगे फिर ऐसे ऐसे 7 दिन हो गए 8वें दिन जब हम एक श्रीनगर की प्लेस में बैठे थे तो कॉर्डन हो गया था तो फिर कॉर्डन में हमें इंडियन आर्मी ने वापस निकाला था फिर तब से हमारी ज़िंदगी बच गई थी तो एक चीज़ तो आपने वेपन आपके पास नहीं था जी सर बिल्कुल भी हमारे पास वेपन कोई नहीं था लेकिन जिनके साथ रबता था वो बोल रहे थे कि आपके लिए वेपन्स हम भेज रहे हैं आप बस रबते में रहो आपको कुछ दिन ऐसे ही निकालने हैं तो आपको क्यों आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए कैसे इन्वॉल्व हुए क्या उस टाइम क्या सोच थी उस टाइम सोच यही थी क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कुरान में कि जिहाद फ़र्ज है उस वजह से कि ये सवाब मिलेगा आपको तो इन्वॉल्व हो गए थे तो उसी वजह से जो काम इनके साथ कभी कभी करते थे वो किया तो अब जब आप वापस आ गए हैं आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ गए हैं आप वापस काम कर रहे हैं क्या आपको फ़ौज चाहे वो आर्मी हो चाहे पुलिस हो क्या आपको तंग करती है नहीं नहीं सर कोई तंग नहीं करती है ना कोई फ़ौज ना कोई पुलिस कोई भी तंग नहीं करती है तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपने तो तंजीम ज्वाइन कर दी थी लेकिन उसके बाद आप जिंदा बच के निकल भी आए तो जो अभी जो बच्चे हैं जो काफ़ी मतलब उतने नंबर्स में नहीं है बट है काफ़ी लोग जो रेडिकलाइज हो गए हैं जो तंजीम अलग अलग तंजीम ज्वाइन करते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे मेरा उनको यही कहना है कि जितना भी हो सके आपको अपना फ्यूचर संवारना है लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये गलत है बिल्कुल भी गलत है मेरे नज़रिए से क्योंकि कहीं ना कहीं किसी हद तक इंसान का जो मतलब उनके माँ बाप होते हैं उन्हीं को तकलीफ़ पहुँचती है जब कोई माँ अपने बेटे को खो देती है वो दर्द बस वही जानती है तो मेरा यही कहना है जितने भी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें अपना फ्यूचर सिक्योर करें सो देयर यू गो यू हर्ड द स्टोरी ऑफ दिस यंग बॉय हु हैड जॉइंड द अलबदर टेरर ग्रुप एंड बट After 7 days, he was rescued from a possible encounter because the army had received a tip-off based on intelligence where he was. And the army surrounded the place and offered them, and asked them to surrender, which they did. And that's how his life was saved. So this is the story of these two boys on why exactly they joined various terror groups. As I said, the reasons for different boys are different. For some, it could be the glamour of, holding a Kalashnikov rifle. For some, it is a religious cause. For some, it could be any other reason. But the fact of the matter is that many are now realizing that the step that they've taken
earlier in their life was not the right one. Because as you heard both these boys saying that agar jannat hi chahiye, to jannat to apne maa baap ka seva karke aur apne baki jo fellow human beings ka seva karke aapko jannat milta hai. Jannat bandook se nahi aayegi. This is Snesh Alex Philip with my video journalist Urjita Bharatwaj signing off from a location in Jammu and Kashmir for the print.